नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है? कई बार ये सवाल हम एक दूसरे से पूछते हैं और कई बार जब हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, कानून से नहीं डरते हैं जो दिल्ली में बदमाश रहते हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस खुद बता रही है कि दिल्ली में अपराध का आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ गया है। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो 26 अगस्त का है जहां पर एक बुजुर्ग के साथ लूटपाट होती है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना सामने आती है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से एक बुजुर्ग को दो बदमाश उनके साथ लूटपाट की कोशिश करते हैं और उनसे उनके पास जो भी सामान होता है वो लूट लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं और इन बदमाशों में किसी भी तरह का कोई खौफ नजर नहीं आता। अब आपको वो आंकड़े बताते हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहा है। हम आपके सामने पिछले साल 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त और इस साल 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त के आंकड़े रखेंगे और ये आंकड़े हमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से ही मिले हैं। ये बताते हैं कि दिल्ली में अपराध कितना बड़ा है। अगर हम मर्डर की बात करें तो दिल्ली में पिछले साल 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक 298 लोगों का मर्डर हुआ, वहीं इस साल 276 लोगों का मर्डर हुआ। डकैती की बात करें तो पिछले साल 7 डकैती हुई तो इस साल 10 डकैती दर्ज की गई। वहीं लूटपाट की घटनाओं की बात करें तो पिछले साल 1086 लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गई, वहीं इस साल 1264 लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। स्नैचिंग के मामले में दिल्ली का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 4257 घटनाएं स्नैचिंग की हुई थी, लेकिन इस साल देखें तो 5108 घटनाएं अभी तक रजिस्टर हो चुकी हैं। वहीं सेंधमारी की घटनाओं की बात करें तो पिछले साल 1218 मामले सामने आए थे, इस साल 1531 मामले सामने आए हैं। वहीं गाड़ी चोरी करने के मामले में दिल्ली के चोर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पिछले साल दिल्ली में गाड़ी चोरी की घटनाएं 19547 हुई थी, इस साल 21956 अब तक पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी हैं। वहीं रेप की घटनाओं की बात करें तो पिछले साल 908 हुई थी, इस साल 1 जनवरी से 15 अगस्त के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1231 रेप के मामले सामने आए हैं। छेड़खानी के मामलों की बात करें तो पिछले साल 1142 मामले सामने आए थे और इस साल अब तक 1484 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह से दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहा है और खासकर गाड़ी चोरी, रेप, छेड़छाड़ और स्नैचिंग, ये मामले ऐसे हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि कानून प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों दिल्ली में बदमाशों में कानून का कोई डर नहीं है। देखना होगा कि इन आंकड़ों में आने वाले वक्त में कुछ सुधार होता है या फिर नहीं। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।